सब्जेक्ट केमिस्ट्री और टॉपिक पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। देखिए किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड बनते हैं एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने से या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आयोनिक बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से, कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इनकी बात हम कर चुके हैं पहले। तो कोई भी जो बॉन्ड बनता है, कोई भी मान लीजिए कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, तो वो 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है। एंड अगर कोई आयोनिक बॉन्ड बन रहा है तो वो 100% आयोनिक बॉन्ड नहीं होता है। इट मींस अगर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ कैरेक्टर आयोनिक बॉन्ड के होते हैं, और अगर आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ कैरेक्टर कोवलेंट बॉन्ड के होते हैं। तो एक दोनों एटम्स में क्या होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है, मतलब पोलर हो जाते हैं दोनों एटम। तो उस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है उसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप से जो है कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर आते हैं और किस तरीके से जो है किस तरह से आयोनिक बॉन्ड में कोवलेंट के कैरेक्टर आते हैं। तो उसी बेस में हमने इसके दो टॉपिक डिवाइड कर लिए। फर्स्ट हम बात करेंगे आयोनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, यानी कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर कैसे आता है। मैंने कहा कि 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता है, उसमें कुछ कैरेक्टर जो है आयोनिक बॉन्ड के आ जाते हैं। तो वो कब आते हैं, देखिए हम ये तो जानते ही हैं कि दो एटम्स हैं और उन दो एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है, शेयर हो रहा है, तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है। मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर जो है H बॉन्ड H बना, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। तो यहां पे तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पे जो है ये भी हाइड्रोजन एटम है और ये भी हाइड्रोजन एटम है, और दोनों ही हाइड्रोजन एटम होने के कारण इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। इस वजह से यहां पे आयोनिक करेक्टर नहीं आएगा इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड में। बट अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं, फॉर एग्जांपल HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो यहां पे आप जानते हो कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। पूरी जो पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट्स है, उनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जैसे जैसे साइज कम होता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। फ्लोरीन की इसी वजह से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो यहां पे जो ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है ये 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो है कुछ आयोनिक करेक्टर है। अब वो आयोनिक करेक्टर क्यों आए, इसमें पोलैरिटी डेवलप होती है, कैसे हो ही देखो, आयोनिक करेक्टर कैसे आए। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन किसका है, ये हाइड्रोजन का, ये इलेक्ट्रॉन किसका है, ये फ्लोरीन का, ठीक है ना। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, शेयर किया, तो इन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। हालांकि ये शेयरिंग है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और ये पोलैरिटी डेवलप होने के कारण ये पोलर बॉन्ड बन गए एक तरह से। इसमें थोड़ा सा आयोनिक करेक्टर आ गया, आया कि नहीं आया। देखो ऐसा ही होता है, जब कोई दो आदमी बिजनेस करते हैं, दोनों ने बराबर बराबर पैसा लगाया, लेकिन जो चालू आदमी होता है वो क्या करता है, दूसरे वाले के पैसे भी थोड़ा थोड़ा अपना तरफ शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो वैसे ही यहाँ पे है कि यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी, ये जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को उनको अपनी ओर खींच के रखता है। तो यहाँ पे जैसे ही इधर खींचेगा तो इधर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मतलब पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पार्शियली, और इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो मींस कि कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर क्या हो गए, डेवलप हो गए थोड़े से। तो ये 100% कोवलेंट बॉन्ड नहीं हुआ, क्लियर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप से कोवलेंट बॉन्ड में आयोनिक करेक्टर आते हैं। चलो सेकेंड हम बात करते हैं फाजांस रूल। ये फाजांस रूल जो है हमें ये बताता है कि आयोनिक बॉन्ड में किस टाइप से कोवलेंट के करेक्टर आते हैं।
आयोनिक बॉन्ड में किस टाइप से कोवलेंट के कैरेक्टर आएंगे वो हम फाजांस रूल से पढ़ेंगे, फाजांस ने बताया इसलिए इसको फाजांस रूल बोलते हैं। तो चलो इसकी बात करते हैं कि किस टाइप से जो है आयोनिक बॉन्ड के अंदर हम कोवलेंट के कैरेक्टर आते हैं, उसके लिए हम एक चीज देखते हैं। हमने देखा था कि कैटायंस कब बनता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कैटायन का फॉर्मेशन होता है। हमने पढ़ा था कि एनायन कब बनता है, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन बनता है, और एनायन और कैटायन के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे ही हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा हमने जब पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी उस समय मैंने आपको बताया था कि जो साइज है कैटायन की साइज और एनायन का जो साइज होता है वो रेडियस पे, रेडियस का जो टॉपिक था एटॉमिक रेडियस आयोनिक रेडियस के अंदर हमने पढ़ा था कि आयन जो कैटायन होता है उसका साइज छोटा हो जाता है और जो एनायन होता है उसका साइज बड़ा हो जाता है। तो देखिए यहां पे हम ये लेंगे, मान लीजिए एक्स और वाई है और इनके बीच में आयोनिक बॉन्ड बन रहा है, ये पॉजिटिव कैटायन है और ये नेगेटिव एनायन है, तो कैटायन का साइज छोटा होता है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसका साइज मान लिया अपन ने कैटायन का। एनायन जो होता है वो होता है, एनायन का ये न्यूक्लियस है और उसका साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो ये इसका साइज अपन ने बड़ा बना दिया। ठीक है, अभी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है यहां वहां न्यूक्लियस के चारों ओर फैले हुए हैं यूं, ठीक है कि नहीं। सपोज कि मैं ये इलेक्ट्रॉन लगा देता हूं यहां पे, थोड़े से आपको शो कर देता हूं ताकि आप ध्यान रहे, इस टाइप से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन फैले हुए हैं, किसमें, एनायन के अंदर। अब इसका साइज छोटा है, जब ये दोनों कैटायन और एनायन अट्रैक्ट होंगे तो पास आएंगे थोड़े, जब ये पास आते हैं तो जब ये पास आएगा ये कैटायन इसके पास आएगा तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो लग रहा है, इफेक्टिव जो फोर्स लग रहा है, न्यूक्लियस का जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है ना, न्यूक्लियस क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो इसका साइज छोटा है। जब इसके क्लोज आएगा तो क्लोज जब ये आया तो इसके इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के पास, इसके न्यूक्लियस के पास क्या पड़ेंगे, क्लोज होंगे, ये डिस्टेंस कम रहेगी, डिस्टेंस क्या रहेगी, कम रहेगी, तो डिस्टेंस कम होने के कारण इसका पूरा का पूरा जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो इन इलेक्ट्रॉनों पे भी लगेगा, जो एनायन के इलेक्ट्रॉन है उन पर भी ये फोर्स लगेगा क्योंकि वो इसके क्लोज आ गए हैं, जब उन पे फोर्स लगेगा तो ये अपनी ओर उनको क्या करेगा, खींचेगा, तो खींचेगा तो फिर कॉम्बो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, दोनों का कुछ ऐसा बन जाएगा, मान लीजिए कैटायन है और ये एनायन के इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ गए हैं कुछ खींच के, ये तो कैटायन है और ये एनायन है तो इसके इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरफ खींच के यहां पे आ गए, इस एरिया पे आ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, तो एक तरह से यहां पे दोनों के बीच में आ गए, दोनों न्यूक्लियस के बीच में क्या आ गए, एनायन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है कि नहीं। तो अब एक तरह से क्या हो गया, ये शेयर सा हो गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो गया कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सा, पूरी तरह कंप्लीटली तो नहीं लेकिन थोड़े से खींच के इधर आए वो, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होगी कंपेरिजन टू यहाँ पे, ठीक है ना, इन दोनों में बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स की दोनों के बीच में, दोनों के बीच का मतलब एक तरह से शेयर हो गए इलेक्ट्रॉन। तो इस टाइप से जो है आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवलेंट बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं। क्लियर, ये था फाजांस रूल, आगे बात समझ रहे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट, देखिए डायपोल मोमेंट होता क्या है, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं और डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है किसी मॉलिक्यूल्स के बारे में वो बात करेंगे। तो डायपोल मोमेंट क्या है, तो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट वो होता है किसी भी एक पोलर पर जो चार्ज होता है वो क्या, चार्ज जो होता है एक पोलर पर जो चार्ज होता है वो, और चार्ज को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज लिख लो चाहे तो आप, एंड मल्टीप्लाई दोनों पोलर जो है उनके बीच का डिस्टेंस,
दोनों जो पोलर है, पोलर मीन्स दोनों जो पोल है मीन्स की कैटायंस और एनायंस है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उन दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस, ये क्या होता है डायपोल मोमेंट होता है। किसी भी एक पोल का चार्ज एंड दोनों पोलर के बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लाई क्या होता है डायपोल होता है, डायपोल मूवमेंट होता है। इस डायपोल मूवमेंट को जो है हम म्यू से शो करते हैं, किससे शो करते हैं म्यू से, और हम जानते हैं चार्ज को शो करते हैं किससे क्यू से, और डिस्टेंस हम यहाँ पे लेंगे डी से, ठीक है। इट मीन्स म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी हो गया, क्या हो गया क्यू इंटू डी। अब इसका यूनिट निकाले अगर डायपोल मूवमेंट का यूनिट अगर हम निकालते हैं तो देखिए डायपोल मूवमेंट का यूनिट यहां से आ जाएगा क्यू, क्या है चार्ज है, और चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलाम होता है, क्या होता है कूलाम होता है। डी डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है मीटर है, ऐसा यूनिट क्या है मीटर है, ये लीजिए मीटर। तो ये कूलाम इंटू मीटर इसका क्या हो गया यूनिट हो गया, क्या हो गया यूनिट हो गया। और इस कूलाम इंटू मीटर को डीवाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डीवाई भी बोला जाता है डीवाई, और इस डीवाई को कैपिटल डी से शो करते हैं, किससे शो करते हैं कैपिटल डी से। और वन डीवाई इज इक्वल टू, वन डीवाई इज इक्वल टू 3.33 × 10⁻³⁰ कूलाम मीटर होता है। एक डिवाइड के अंदर इतना होता है 3.33 × 10⁻³⁰ कूलाम मीटर, ठीक है। तो ये डायपोल मूवमेंट है। अब कोई मॉलिक्यूल डायपोल कब होगा और कब नहीं होगा, कोई मॉलिक्यूल कब पोलर होगा और कब नॉन पोलर होगा, ये चीज है। देखिए म्यू इज इक्वल टू, अगर म्यू इज इक्वल टू जीरो है, म्यू यानी डायपोल मूवमेंट की वैल्यू अगर जीरो आती है, इट मींस वो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो मॉलिक्यूल होगा नॉन पोलर, क्या होगा नॉन पोलर होगा। एंड म्यू इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जीरो तो वो मॉलिक्यूल होगा पोलर मॉलिक्यूल, क्लियर। अगर म्यू की वैल्यू अगर जीरो आ रही है तो वो होता है नॉन पोलर, और म्यू की वैल्यू अगर जीरो नहीं आती है तो वो होता है पोलर। अब किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देके, लुईस स्ट्रक्चर देके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो पोलर है या नॉन पोलर है, तो उसकी बात हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए आपको पता है कि म्यू इज इक्वल टू जीरो है तो नॉन पोलर है, और म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो है तो पोलर है। इसके साथ में आप दो चीजें और ध्यान रखें कि जो डायपोल मूवमेंट लगेगा वो हमेशा एटम से लोन पेयर की तरफ लगेगा, एटम से लोन पेयर की तरफ लगता है डायपोल मूवमेंट, और डायपोल मूवमेंट को शो करते हैं हम एरो लगा के, जिस तरफ लग रहा है उस तरफ एरो लगा के उसको थोड़ा सा पीछे से काट देते हैं ऐसे। ये जो साइन है ये डायपोल मूवमेंट को शो करता है कि डायपोल मूवमेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, एटम से लोन पेयर की तरफ लगता है डायपोल मूवमेंट, पहली चीज। सेकंड जो है कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ लगता है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ। जिस एटम का लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और किसी एटम का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये लो से हाई की तरफ डायपोल मूवमेंट लगेगा, मतलब कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम से हाई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम की तरफ डायपोल मूवमेंट लगेगा। तो ये दो बात ध्यान रखनी है, दो बात ये ध्यान रखनी है जिससे आप पता कर सकते हो कि वो पोलर है या नॉन पोलर। चलो यहां पे एग्जांपल से हम इन चीज को क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं CO2 का। ये क्या है CO2 है, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर आपने बनाया था तो वही बना दीजिए C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे लगे हुए थे दोनों पे कार्बन और ऑक्सीजन में अगर मैं पूछूं तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, ठीक है ना। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है क्योंकि 16 ग्रुप में आता है, ये तो पहले 14 ग्रुप में आ जाता है।
तो यहां पे डायपोल किस डायरेक्शन में लगेगा? कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डायपोल लगेगा। क्लियर? यहां पे भी सेम यही कंडीशन है, कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ डायपोल लगेगा। दोनों डायपोल एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और म्यू इज इक्वल टू जीरो होता है तो क्या होता है? नॉन पोलर। क्लियर? तो CO2 क्या है? नॉन पोलर है। CO2 क्या है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही हम और एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो वाटर मॉलिक्यूल का ले लेते हैं, H2O। ये हमारा एग्जांपल है H2O, और इसका स्ट्रक्चर ये होता है H H और ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं। भैया कितने लोन पेयर होते हैं? दो लोन पेयर होते हैं। वैसा ठीक है। अब मैंने आपसे कहा एक पहली बात, देखो यहां पे एटम से लोन पेयर की तरफ डायपोल लगता है, ये एटम है ये लोन पेयर है, तो यहां पे डायपोल लग रहा है ये इस डायरेक्शन में। क्लियर? यहां पे ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? ऑक्सीजन की है, तो डायपोल लगेगा ये डायपोल लगेगा। यहां पे सेम ये डायपोल लगेगा। तो देखिए इनका डायपोल जो डायरेक्शन है वो ये जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से जा रहा है, जा रहा है नहीं जा रहा डायपोल, यानी सारे के सारे डायपोल ऊपर जा रहे हैं एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो इट मींस नीचे कोई डायपोल नहीं जा रहा, नीचे डायपोल मोमेंट नहीं लग रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। सो डेट म्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, और जीरो नॉट इज इक्वल टू जीरो तो क्या होगा? ये पोलर। तो H2O पोलर मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल है? पोलर। आगे बात समझे, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए BF3 बोरोन के तीन फ्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, एंड कोई लोन पेयर नहीं होता बोरोन पे, क्योंकि ये पांच नंबर पे आता है आउटर नोड सेल में, तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीनों के तीनों बॉन्ड बनाने में काम आ चुके हैं फ्लोरीन के साथ में, इसलिए इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, तीन फ्लोरीन है, बॉन्ड रिपल्शन फोर्स लगेगा तो 120 का बॉन्ड एंगल बनेगा, ये कंडीशन इसका स्ट्रक्चर है। अब यहां पे हम जानते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है, तो मींस डायपोल लग रहा है ये, डायपोल मूवमेंट लग रहा है ये वाला डायरेक्शन में, यहां पे ये डायरेक्शन है और यहां पे ये वाला डायरेक्शन है, तो तीनों डायरेक्शन कुछ ऐसे है, ठीक है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, तो इन दोनों का अगर देखें तो ये यूं एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि इस यूं थोड़ा तिरछा दे रहे हैं, तो दोनों का टोटल एक इस डायरेक्शन में लगेगा नहीं लगेगा टोटल? मान लीजिए एक गाड़ी है जिसको आगे से आपने भांगा, बांध के धागा बांध लिया, खिलौने वाली गाड़ी है, एक बंदा यूं खींच रहा है, एक बंदा यूं खींच रहा है तिरछा, तो वो गाड़ी क्या इधर जाएगी? नहीं। वो गाड़ी क्या इधर जाएगी? नहीं। वो गाड़ी कहां आएगी? सीधी आएगी, आएगी कि नहीं? तो ये डायपोल यूं लग रहे हैं, तो इनका टोटल डायपोल क्या लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में ये डायपोल है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू जीरो, सो डेट ये क्या हो गया? नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो गया। क्लियर? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आयोनिक पोटेंशियल। तो आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है? आयोनिक पोटेंशियल होता है चार्ज ऑन कैटायन, कैटायन के ऊपर जो चार्ज है वो, एंड साइज ऑफ कैटायन, तो चार्ज कैटायन का और साइज कैटायन का, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है? आयोनिक पोटेंशियल है। और एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये कैल्शियम Ca+2 चार्ज आता है, कैल्शियम कैटायन है, ठीक है ना, तो इस पे चार्ज कितना है? 2 है, तो ये 2 हो गया अपॉन इसका साइज, जो कैटायन का साइज बनेगा, मतलब कैल्शियम का जो साइज होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद में जो साइज आएगा इसका,
कैटायन का साइज का मतलब है कैल्शियम जो एटम है, ठीक है, उसने दो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, डोनेट करने के बाद में उसका जो रियल जो एटॉमिक साइज है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कैटायन का साइज थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो जो कैटायन का साइज आएगा वो साइज हम यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ लिखने के बाद इन दोनों का जो रेशियो बना यही इस कैल्शियम का क्या हो जाएगा आयोनिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो टोटल मिला के बाद क्या हुई चार्ज कैटायन पे और उस कैटायन का साइज दोनों का रेशियो क्या होता है आयोनिक पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब कि हाइड्रोजन कोई बॉन्ड बना रहा है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड में मैं आपको एक चीज बता देता हूं, यहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, ना ही इलेक्ट्रॉन लेन देन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी नहीं होते और ना ही इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। तो फिर यहां होता क्या है, यहां होता क्या है, यहां पे ये होता है कोई एक एटम, तो एटम एक तो हाइड्रोजन ही रहेगा, ये तो कंपल्सरी है, और इसके साथ में जब इसके पास कोई भी हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला एटम आता है, फॉर एग्जांपल एफ ओ एस, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स हैं, फ्लोरीन ऑक्सीजन और सल्फर, ठीक है ना, इनमें से कोई भी एक हो सकता है लेकिन एक हाइड्रोजन ही होगा। देन जब ये क्लोज आते हैं तो इस हाइड्रोजन और इस फ्लोरीन के या ऑक्सीजन के या इस सल्फर के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट होता था है। इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन लगता है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, वो हाइड्रोजन को अपनी ओर क्या करेगा खींचेगा, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला जो एटम है वो हाइड्रोजन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन लग रहा है इस अट्रैक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, इस अट्रैक्शन को ही हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाता है। ये केवल और केवल इनके बीच का अट्रैक्शन है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे ट्रांसफर नहीं हो रहे इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन द्वारा शो करते हैं, ठीक है ना, सीधी लाइन नहीं खींचते, डॉटेड डॉट डॉट करके लाइन खींचते हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब इसको समझते हैं अपन कैसे, तो एग्जांपल्स आपको इन दो टाइप्स के जो मॉलिक्यूल दो टाइप जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनमें समझने को मिलेगा। यहां पे देखिए दो टाइप कौन कौन से हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। फर्स्ट टाइप क्या है इंटर मॉलिक्यूल, सेकेंड क्या है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें क्या होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है, देखिए यहां क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब है कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई कंपाउंड है, कोई मैटर है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक ना, तो उस मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल अब उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो और उसके अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम प्रेजेंट हो तभी होगा ये, तो ठीक है, नहीं मॉलिक्यूल सेम हो, एक मॉलिक्यूल ये है एक मॉलिक्यूल ये है, दोनों ही सेम सब्सटेंस है, यानी अगर ये HCl है तो ये भी HCl है, ये H2O है तो ये भी H2O है, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड है तो ये भी हाइड्रोजन फ्लोराइड है, देन इनके बीच में जो लगेगा जो बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड उसे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। कैसे बनेगा एग्जांपल देते हैं, देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड है ये, जब ये मॉलिक्यूल दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के पास आता है तो इस मॉलिक्यूल का F और इस मॉलिक्यूल का H इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होता है जिससे कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, ठीक है नहीं, इसी टाइप से इसके पास एक और मॉलिक्यूल दूसरा HF आ जाएगा तो इन दोनों के बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो गया जिसे हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। तो इस टाइप का सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो उसे बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर, H2O वाटर मॉलिक्यूल्स में भी ऐसा ही होता है। ये वाटर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल हम ले लेते हैं, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो यहां पे देखिए इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बन रहा है,
हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा, इस तरह से ये हो गया इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में क्लियर। नेक्स्ट देखिए इंट्रा, इंट्रा का मतलब होता है उसी के अंदर, कोई एक मॉलिक्यूल है, कोई दूसरा मॉलिक्यूल नहीं आएगा यहां पे, एक कोई बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और जिसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एटम भी प्रेजेंट है, तब उन दोनों के बीच में, ठीक है ना, घर घर में ही वैसा ही है कुछ कि घर के घर में ही, यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही दोनों एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड घूम रहा है, तो उसे बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे, एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल हमने लिया, बेंजीन रिंग बनाई अपन ने, ठीक है, यहां पे ओ है, ये एस से बॉन्डेड है, यहां पे एन है और ये ओ से बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड बन रहा है और एक ऑक्सीजन और होता है इसमें, और तो नाइट्रोफिनोल है, ये एक ऑक्सीजन और होगा यहां पे, ये ठीक है, इसका नाम है और तो नाइट्रोफिनोल, और तो नाइट्रोफिनोल नाम है इसका, ये नाम नाम तो अपन बाद में पढ़ेंगे आईयूपीएसी में बात करेंगे, लेकिन इसका अभी मैं आपको बता दूं इसका नाम है और तो नाइट्रोफिनोल। ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये पूरा क्या है, एक मॉलिक्यूल है उसको नाइट्रोफिनोल का। अब इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे ये हाइड्रोजन रहा और ये ऑक्सीजन रहा, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा, गोल्डन और आयोनिक बॉन्ड नहीं बन रहे यहाँ पे, कोई गोल्डन बॉन्ड नहीं है, इन दोनों के बीच में तो गोल्डन बॉन्ड है, यहाँ पे ये गोल्डन बॉन्ड है, ये गोल्डन बॉन्ड है, ये गोल्डन बॉन्ड है, यहाँ पे गोल्डन बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ, ये अलग अलग है, नहीं। तब इस हाइड्रोजन और इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम ऑक्सीजन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट हो जाएगा, ये तो ये बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, उसी मॉलिक्यूल के अंदर बना है, तो इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आगे बात समझ में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है।